हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो आज तो पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रही, क्योंकि कल मतलब यानी कि कौन सा दिन है, सोमवार, और अभी बज रहे हैं 8:15। अभी 8:15 हो रहे हैं शाम के, और बाबू को संडे संडे लगभग 1 या 1:30 बजे रात से बहुत ही ज़्यादा फीवर आ गया था, और बाबू रात भर नहीं सो पाया। तो उसके बाद सुबह सोमवार के दिन, यानी कि आज के दिन, बाबू को लेके गई गई डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने मेडिसिन लिखा, तो बाबू को देखे तो बाबू अभी कुछ थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो इसलिए आज पूरा ही दिन इतना व्यस्त है, क्योंकि बाबू छोड़ ही नहीं रहा था मुझे, इसलिए। अभी तो फिलहाल बैठी हूँ और जा रही हूँ खाना बनाने। अगर आप मेरे चैनल आयांस एंड मॉम ब्लॉग्स में पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो देखने के बाद आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और शेयर कर दिया कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए मुझे। अभी अभी तो मैं जा रही हूँ किचन, तो चलिए आज मैं क्या बनाने वाली हूँ किचन में वो आपको दिखाती हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं किचन में आ गई हूँ, और अभी क्या बनना है वो आपको दिखाती हूँ। तो आज बनाने वाली हूँ सत्तू पराठा और टमाटर की चटनी नमक वाली, और बैंगन का चोखा, क्योंकि मुझे टमाटर की चटनी नमक वाली पसंद नहीं, मीठी वाली पसंद है। और मेरे हस्बैंड और मेरे सास को, उनको नमक वाली पसंद है, तो दो आदमी को नमक वाली पसंद है। तो फिर मैंने सोचा कि फिर मैं अपने लिए क्यों मीठी चटनी बनाऊँ, तो सॉस लेके खा लूँगी। तो चलिए दिखाती हूँ कि मैंने सत्तू में क्या क्या मिक्स किया। जनरली आप लोग को भी पता होगा कि सत्तू पराठा बनाने में क्या क्या लगता है, तो चलिए मैं दिखाती हूँ क्या क्या उसमें डाल रही हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये है सत्तू, और इसमें मैं मिलाने जा रही हूँ लहसुन, और नींबू नहीं है तो आम का अचार का जो मसाला होता है खट्टा होने के लिए, उसे मिलाऊंगी। और ये हरी मिर्च काट के रखी है, और ये जमाइन, मंगरेला, स्वाद अनुसार नमक, और ये सरसों का तेल, सब ऐड करूंगी ये भी सत्तू में। तो आप वीडियो में बने रहिए। सब एक बार ऐड करूंगी, उसके बाद तब मिलाऊंगी। चलिए दोस्तों आपसे मिलती हूँ इसको मिला के। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सत्तू को मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है, और यहाँ पर टमाटर को पका रही हूँ। और अभी बाबू के पापा मार्केट से नहीं आए हैं, तो बोले हैं मैं बैंगन लेके आऊँगा, तब फिर बैंगन पकाऊँगी, उसका चोखा बनाऊँगी। और अभी सत्तू को मतलब यानी कि पराठा बनाने में भी टाइम है, बाबू के पापा अभी आधा घंटा के बाद आएंगे, तो मैंने सोचा तब तक सब कुछ करके रखती हूँ, उसके बाद तब फिर गरम गरम पराठा बनाऊँगी तब खाऊँगी। तो उस अभी धनिया का पत्ता अभी इसमें नहीं मिला है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा जुकाम सा लग रहा है, गला भी दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा, आप लोग माइंड मत कीजिएगा। और यहाँ पे टमाटर पका के अब रख लेती हूँ, उसके बाद तब बैंगन अभी आएगा, तो फिर बैंगन पकाऊँगी, तो उसका भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक वीडियो में आप लोग बने रहिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ खाना बनाने के बाद आपसे।
तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, मैं खाना बना के आ गई हूँ। और मैंने जो बोला था सत्तू पराठा और टमाटर की चटनी, बैंगन का चोखा, तो मैं इसके बाद छोटी सी क्लिप लगा दूँगी, देख लीजिएगा म्यूट करके, क्योंकि उस टाइम सभी थे इसीलिए मैं उस टाइम बोल नहीं पाई, सिर्फ छोटा सा क्लिप बना के इसमें ऐड कर दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। और हाँ, मैंने क्या क्या डाला ये भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि उसमें तो म्यूट करके मैं डालूँगी। तो बैंगन के चोखा में मैंने लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, तेल, नमक और हरी धनिया पत्ती मिक्स की थी। टमाटर चटनी में टमाटर और हरी धनिया पत्ती, हरी मिर्च, प्याज, नमक और तेल ऐड की थी। और ठीक है, फिर खाना खा के जाते हैं। और दोस्तों, मैंने खाना खा लिया, सब खा लिया, और फिर मैंने खाना खा के और मैं अपने रूम में आ गई हूँ सोने के लिए। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, आपको स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हाँ दोस्तों, ये ब्लॉग कल मंगलवार को जाएगा, सो बाय बाय।